से हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे धक्के खा रही है, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। क्या कोई सड़कों पे आया? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी निर्भया केस के अंदर सड़कों पे आई? नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हिंदुस्तान में इन दिनों रेप इन इंडिया चल रहा है? सवाल अटपटा है, लेकिन उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने, रह चुके अध्यक्ष राहुल गांधी ने, एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन को रेप इन इंडिया से जोड़ दिया और राहुल के इस बयान के बाद संसद में जोरदार घमासान छिड़ गया। अब सवाल यही है आज के कुरुक्षेत्र का कि क्या वाकई राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या वाकई ये सब कुछ सियासत है? आज का कुरुक्षेत्र इन सवालों पर 40 मिनट तक होगी नॉनस्टॉप बहस। स्वागत है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, एमएस बिट्टा साहब स्टूडियो में हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, हमारे साथ विप्लव ठाकुर जी हैं, राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कृष्णा तीरथ जी आप भी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टा साहब ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, मैं इनसे पूछता हूं, बिट्टा साहब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जो दिया कि भारत में अब अखबारों में रेप इन इंडिया की खबरें छपती हैं, आपको इसमें कुछ गलत नजर आता है या जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे? देखो, मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कहूंगा कि पूरे राष्ट्र को छोटी सी स्टेटमेंट की खातिर पूरी दुनिया में बदनाम हो, ये अच्छी बात नहीं है। सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी जी हों, राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, सीपीएम के हों, सीपीआई के हों, अगर कोई भी सीनियर लीडर अगर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर, रेप के ऊपर, फांसी के ऊपर बात करेगा तो ये दुनिया में फैलेगी, इसमें कोई शक नहीं। सोशल मीडिया का युग है और बाहर की दुनिया ये जरूर कहेगी, हर कदम पे हिंदुस्तान के अंदर रेप है, जबकि हिंदुस्तान में है ऐसी चीजें। और आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर अगर रेप हुआ उस बिटिया के साथ, उस बहन के साथ दरिंदगी से किया, और अगर वो भागने लगे और पुलिस वालों ने मौत का कफन बांध के ये कह दिया हम चाहे जेल में चले जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर दे, अगर ये भाग रहे हैं हम अंदर जाएंगे, हम इनको गोली मार गए, टका के गोली मारी, ये मुद्दे हैं। मुद्दे निर्भया का केस है, कितनी देर से वो माँ, कितनी देर से उसका पिता, कितनी देर से हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे धक्के खा रही है, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। क्या कोई सड़कों पे आया? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी निर्भया केस के अंदर सड़कों पे आई? आई तो देश की बेटियां, देश की बहनें, देश की माएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे दिए जला के आई कि इन आतंकवादियों के खतरनाक लोगों को फांसी दो। बताइए, आतंकवाद का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आम लोग सड़कों पे आते हैं, ठीक है। ऐसे केसों के अंदर सबसे पहले मुद्दे को हम भटकाए ना, निर्भया केस के अंदर तो जो फांसी होने वाली है उस मुद्दे की पॉलिटिकल पार्टियां की सवाल यही बात है। करें कि इनको फांसी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मां को इंसाफ, असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप मुझे आप ये बताइए मुद्दे से कौन भटका रहा है? राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट देकर के देश का मान नीचे किया या बीजेपी किस अहम मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी के बयान को तोड़ दे रही है? देखो, एक बात स्पष्ट है, हम पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई स्टेटमेंट देती है तो दूसरे ने जवाब देना देना है, अगर दूसरी देती है तीसरे ने देना देना, ये हिंदुस्तान की राजनीति का कल्चर है। हम सवाल है मुद्दों से ना भटके, ठीक है। सवाल है कि फांसी का मुद्दा, कि ये तीन जो खतरनाक दरिंदगी के साथ बलात्कार, चलिए ठीक, इनको कब फांसी होनी चाहिए? आपने ये भी कहा कि हर सीनियर, इस मुद्दे को भटकाए ना, इस मुद्दे को फांसी, आपने कहा किसी भी पार्टी का सीनियर लीडर हो उसको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि देश के बाहर किसी को देश पर उंगली उठाने का मौका मिले। आपको कहूं दुनिया में बदनामी ना हो, ठीक है, हिंदुस्तान में घर की बात। तो कृष्णा तीरथ जी, राहुल गांधी की कहने की इंटेंशन जो हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कानूनी राज पर सवाल उठाना चाहते हो, क्या उनके शब्द बेहतर हो सकते थे? रेप इन इंडिया कह करके राहुल गांधी ने शब्दों का गलत चयन किया? बिट्टा साहब चुनाव चल रहा है झारखंड में, चुनाव में भाषण दिया गया, मोदी जी के जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दिया वो भी 2014 से पहले चुनाव का स्टेटमेंट था, चुनाव के माहौल के बीच में दिया गया स्टेटमेंट था, तो हम क्या माने कि जब चुनाव आता है तो नेताओं को कुछ भी बोलने की छूट मिल जाती है? देखो, अभी मेरी बहन ने बिल्कुल, मेरे ख्याल किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बड़े आजाद विचारधारा में अपनी, मैंने भी उसी तरीके से आजाद विचारधारा में बोला, मुझे किसी पार्टी से किसी नेता से मुझे कुछ लेना देना। मैं फिर कहूँ, हम आए हैं 15 मिनट के बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे, चर्चा होगी, आप बड़ा अच्छा बोले, आप बड़ा बोले, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो उसके छक्के, अरे फांसी का मुद्दा कब उठेगा? फांसी कब होगी? जो जवानों ने मौत का कफन बांध के, फिर कहता हूं,
उन रेपकारियों को मारा है और उनको सजा होगी, क्या उस वक्त भी ये मेरी बहनें, मेरी माएं सड़कों में आके दिए लेके खड़ी होंगी कि इन पुलिस वालों के साथ हैं? पंजाब के अंदर बड़े पुलिस के जवान मौत का कफन बांध करके आतंकवादियों को मारा, आज जनाब जेलों में बंद है। हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर रेप को खत्म करना है, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल अच्छा बनाना है, हम पॉलिटिकल पार्टियों को आतंकवादियों का मुद्दा हो, रेप का मुद्दा हो, एक मंच पे आना होगा कि हम एक हैं। जैसे पंजाब के अंदर हमने कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई मिल के आतंकवाद को समाप्त किया, ऐसे मुद्दों को हमें एक होना होगा। हम क्या बहस करते रहते, हम बहस करते करते लोगों को तमाशा दिखाते, हम लोग तमाशा देखते हैं, हमारे प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ दीजिए, ये बहुत संगीन मामला है। चलिए ठीक है।